इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी टॉपिक 120 वर्कप्लेसेस क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वर्कप्लेसेस प्लेज इट्स इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं जहां रहते हैं किसी फैक्ट्री की इनर साइड जहां पे कोई प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ एक दो चार दस बीस पचास समटाइम हंड्रेड में लोग और मजदूर होते हैं जो एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं तो वर्क प्लेस से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं दैट इज अ डिफरेंट इश्यू एंड प्रॉब्लम दैट इज वेरी सीरियस इन नेचर वर्क प्लेसेज क्रिएट भी करते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज वेल इन्वायरमेंटल इशूज इन द वर्क प्लेस इज ग्रोइंग कंसर्न फॉर द कंपनीज जो वर्क प्लेस पर इन्वायरमेंटल इशूज हैं ये कंपनीज़ का भी कंसर्न है और गवर्नमेंट्स का भी कंसर्न है इट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉज हेल्थ एंड सेफ्टी जो एम्प्लॉ की हेल्थ भी और सेफ्टी भी उसका उससे डायरेक्ट रिलेशन है रिलेशनशिप है अगर इन्वायरमेंटमेंट की जो वहाँ प्रॉब्लम्स हैं उसमें कोई शोर हो जो वॉइस नॉइस पॉल्यूशन जिसे आप कहते हैं तो मज़दूर जब मज़दूरी करके घर वापस आता है तो भी उसका माइंड और उसकी बॉडी और उसके एक्सेप्टर्स बॉडी के रिसेप्टर्स वो उसी सर्टन कंडीशन में रह रहे होते हैं उसको पीसफुल माइंड के साथ वो नहीं आता जब वो वर्क प्लेस पर नहीं होता इसका मतलब है कि नेगेटिव हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेज हैं वर्क प्लेस से रिलेटेड इट्स लेट टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन अदर साइड द सेफ्टी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इशू इफ वर्क प्लेसेस आर नॉट सेफ वहां पे सेफ्टी के पूरे ही नहीं है कोई मास्क नहीं दिए जाते हेलमेट नहीं दिए जाते कहीं कोई केमिकल एक्टिविटी हो रही है तो वहां उन्हें नहीं दिए जाते कोई चश्मे लगाने के लिए कि उनकी नज़र उससे महफूज रह सके दो चार दस दिन बीस दिन महीना साल तो करने से और सकता है कि मजदूरों को फर्क ना पड़े लेकिन लेटर रन लॉन्ग रन जब आप काम करते हैं या उस टाइम पे जो डैमेज होगा आपकी हेल्थ को हो सकता है उसके जो असरात हैं वो पांच साल दस साल बाद आपकी सेहत पे आपको मिले तो वर्क प्लेस से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं और उसके साथ साथ उसके जो हेल्थ से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं वेरी इंपॉर्टेंट टू तो अंडरस्टैंड एबस्टोर्स इज हाईली रेजिस्टेंट टू तो रून वायर बर्निंग केमिकल सो इज वेरी प्रजिस्टेंट इन द इन्वायरमेंट बरने होती है जहाँ पे किसी इन्वायरमेंट में केमिकल एक्सपोजर हो वहाँ लेबर लेबर जो काम करने वाले हैं तो अल्टीमेट मैसिव डैमेज है उनकी सेहत के लिए एयर क्वालिटी नहीं ठीक होती वर्किंग प्लेसेस पे वहाँ सैनिटेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता साफ पानी के पीने का नहीं होता बिल्डिंग के अंदर जो किसी को वायरल इन्फेक्शन है डिजीज़ है ज़्यादा चांस है कि एक फ़र्द से दूसरी फ़र्द तक वो ट्रांसफॉर्म हो जाए तो विद इन द बिल्डिंग एंड विद इन इनसाइड द बिल्डिंग वर्क इन्वायरमेंट वर्क प्लेसेस पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल है वर्क प्लेस का वर्क प्लेस पे मौजूद इन्वायरमेंट का एंड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इन इन्वायरमेंटल ईश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए और अकॉर्डिंगली उनके लिए सोलूशनस बनाए जाएँ और इंश्योर किया जाए कि वर्क प्लेस पे कोई इन्वायरमेंट से रेलिवेंट जो है वो सेफ्टी चेक्स हो कि मज़दूर की जो सेफ्टी है वहां पे काम करने वालों की जो सेफ्टी है उससे रेलिवेंट लोगों के लिए सेफ्टी चेक्स हो अगर हम पुअर और अंडर डिवेल्प कंट्रीज़ में देखें तो वहां क्योंकि बहुत से मज़दूर एक ही वॉशरूम को यूज़ कर रहे होते हैं उससे नेचुरल डिजीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं स्पेशली वो वायरल जो डिजीजेज़ हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं दूसरी साइड पे क्योंकि ऐसी लेजिस्लेशन नहीं होती जो इन्वामेंट प्रोटेक्शन के लिए हैं जो लेबर की प्रोटेक्शन के लिए हैं अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन या कानून साजी मौजूद भी होती है तो उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती अल्टीमेटली मज़दूर क्योंकि उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी के लिए अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए दे आर सपोज टू बाउंड ऑल द वे कि उन्होंने काम करना ही है और वो हर टाइम वहाँ पे बाउंड रहते हैं तो मज़दूरों को इस मिज़रेबल सिचुएशन को हर हाल में फ़ेस करना ही होता है वो वो बिल्कुल हिम्मत और हौसला नहीं करते अवॉइड करने का सिचुएशन का कि सिचुएशन से हम अवॉइड कर सकते हैं कर, कर, करें वो हौसला नहीं कर पाते तो इस सारी सिचुएशन में सारी प्रॉब्लम में जो ह्यूमन हेल्थ है वो भी इफेक्ट होती है और किस चीज़ से इफेक्ट होती है वो वर्क प्लेसेस के जो इन्वायरमेंट है वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा होता है ह्यूमन हेल्थ को सम टाइम उसके कॉन्सिक्वेंस फ़ौरन मिलते हैं और समटाइम उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो प्रलॉन्ग करते हैं लेट लेट ज़्यादा देर तक जो है वो उसके असर जाहिर नहीं होते लेकिन अल्टीमेटली बहुत बड़ा ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन हेल्थ को डैमेज होने के चांसेस होते हैं